संसार में बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसे मैंने कहा, उसमें भी मानसिक रोग तूफानी बनकर सामने आने वाले हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले साल अगस्त में, एक साल हो गया है, डिक्लेयर कर दिया था 2020 से संसार में डिप्रेशन महामारी बनकर आ रहा है। और मैं तो ये 2 साल में ही देख लिया, युवक बहुत डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं नेट के कारण, इस सोशल मीडिया के कारण। जो वरदान बनकर चीज हमारे पास आई है विज्ञान की, वो अभिशाप बनती जा रही हैं, क्योंकि उनका टू मच यूज, उसे टू मैनी इन्फॉर्मेशंस, वो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। कन्फ्यूजन ही नहीं, बैड एनर्जी जेनरेट हो रही, जो ब्रेन को डैमेज कर रही है, ये लोगों को पता नहीं है। ये तो बताते हैं वो कि इससे बैड रेडिएशन फैलता है, बहुत प्रचार होता है, ये मोबाइल यहाँ ना रखो, पास रख के ना सो। हमारे यहाँ भी 2 आए हैं अमेरिका से, वो बता रहे हैं ये मोबाइल इज एज डर्टी एज टॉयलेट। क्या तुम खाना खाते भी सुनते हो? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। खाना बनाते भी सुनती हैं बहनें? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि इससे जो विचार मिलते हैं गंदे, उससे निगेटिव एनर्जी पैदा होकर मनुष्य के ब्रेन को नष्ट करती जा रही है। और एक नई रिसर्च जो आपको बच्चों को बहुत ध्यान दिलानी है, इससे ब्रेन श्रिंक हो रहा है धीरे धीरे बच्चों का, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एफिशिएंसी डाउन होती ही जाएगी। इसलिए सावधान करना है अपने बच्चों को और खुद को भी, योग अभ्यास। अब हमें अपने को परमपिता से जोड़ना है। पहला जुड़ाव हो गया जब हमने उसे अपना मान लिया, वो हमारा परमपिता है। और भी कुछ है? बोलो। वो सदगुरु भी है और वो टीचर भी है, तभी तो उसको विद्या देने वाला कहते हैं, बुद्धि दो विद्या दो। और एक नाता मैं आपको और जुड़वा देना चाहता हूं, दोस्त का। ये मेरे लिए बहुत प्रिय संबंध है, मुझे इसके हजारों अनुभव हो गए हैं। आप भी उसको अपना गुड फ्रेंड बना लो, खुदा दोस्त। केवल बनाना है, मानना है, एक्सेप्ट करना है, उसे बातें करनी है, यू आर माई गुड फ्रेंड, नॉट गॉड ओनली, नॉट फादर ओनली, माई गुड फ्रेंड। बोलो, स्वीकार है? लेकिन वो भी तो आपको फ्रेंड बनाना चाहेगा। फ्रेंडशिप दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से गड़बड़ हो जाए, सबको अनुभव है फ्रेंडशिप के कड़वे। कलयुग में तो कहते हैं सच्चा मित्र मिलना मुश्किल ही है, लेकिन जो हमारा सुप्रीम फ्रेंड है, वो तो सच्चे से भी आगे कुछ और शब्द बोले वो है। लेकिन हमें उनसे अपनी मित्रता निभाना सीखना है। तो आज से ही इज माई गुड फ्रेंड। और जैसे आपके पास समस्या आ जाए तो पहला फोन किसे करेंगे? अपनों को, अपनों को, चाहे वो फ्रेंड हो चाहे कोई और हो, अपनों को। जब भी कोई बात हो जाए पहला फोन अपने को करना। कौन है अपना? अब शिव बाबा बोलो उसको, होमली वर्ड, जैसे आजकल कर दिया ना, पापा से डैडी और डैड से डैड, सारे डैडियों को डैड कर दिया बच्चों ने। तो उसको अपनेपन से शिव बाबा बोलना है, वो हमारा गुड फ्रेंड है। कुछ भी बात हो जाए उससे कॉन्टेक्ट करो, आपकी बुद्धि में टचिंग आने लगेगी। वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind, जस्ट अ क्लिक फॉर अ पीसफुल लाइफ।